Wow, what a wonderful bowling by Pakistan. Pakistan ne yakeenan bowling aaj bahut achhi ki, lekin phir bhi fielding kahin na kahin dam todti gayi aur jo catches hum le sakte the, hum match ko aur smooth bana sakte the, wahi humne catches chhode aur humne Australia ko opportunity di ke Australia runs banaye. Nazreen isi bare se baat karte hain, badhte hain apne panelist ki taraf. Nazreen, aap sabki jaan cricket ki shaan, Hafiz Imran, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Meera, bahut shukriya aapka. Nazreen, dusri janib aapki favorite, aapke comments ko hamare saath shamil karenge Rida Zainab, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Meera, kaisi hain aap? Alhamdulillah, I'm very good. Coming to you Hafiz ji, kya kahe Hafiz saab, फील्डिंग क्यों कमज़ोर होती जा रही है जहाँ बॉलिंग थोड़ी सी स्ट्रेस जो है वो उसको ऊपर करती है, थोड़ा स्ट्रेस रिलीज करती है और जान डालती है, वहीं पर फील्डिंग जो है वो दम तोड़ जाती है? देखिए, अब्दुल्ला शफीक सबसे ज़्यादा नज़र में हैं इस एतबार से कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रॉप कैचेस हुए हैं, जो कैचेस गिराए गए हैं, उनमें अब्दुल्ला शफीक खासे नुमाया नज़र आ रहे हैं और पहली इनिंग्स में भी उन्होंने कैच ड्रॉप किया और आज भी एक ऐसे मौके पर कि जब पाकिस्तान बिल्कुल मैच में बहुत हावी हो सकता था, गिरफ्त मजबूत हो सकती थी, एक ऐसा कैच उनका उन्होंने ड्रॉप किया जिसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया को कुछ वापस आने का मौका मिला और उन्होंने उससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक ऐसा मौका कि जब आप लगभग 15-20 रन पर चार विकटें ले लें और उसके बाद आप एक आसान कैच गिरा दें तो फिर आप अपनी मुखालिफ टीम को ये मौका फराहम करते हैं बजाते खुद के आप आएँ और उनका उनके ऊपर अटैक करें। ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और मैच में वापस आए। 241 रन्स की जो उनकी बर्तरी अब तक है, अब इसमें चार विकटें बाकी हैं, कितने रन्स वो ऐड करते हैं, लेकिन 241 भी वो इतने ज़रूर बना चुके हैं कि यहाँ पर वो मैच को जीत सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस मैच में अभी तक है, 300 करते हैं या उससे कुछ ज़्यादा करते हैं, या पाकिस्तान उनको 270-280 तक आउट करता है या पाकिस्तान उनको 260 तक आउट करता है, इसका फैसला तो कल के दिन में होगा। लेकिन पाकिस्तान मैच में है और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को जाना चाहिए जिनके ऊपर बहुत तनकीद हो रही थी। उन्होंने इस टेस्ट मैच की दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ बहुत अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया और जिस चीज़ की कमी पाकिस्तान की फ़ास्ट बॉलिंग में नज़र आ रही थी कि इब्तदाई ओवर्स में उन्हें विकटें नहीं मिल रही थी, आज जब खेल के तीसरे दिन पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स ने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग्स में तो उन्होंने विकटें लीं। आप डेविड वार्नर को देख लें, उस्मान ख्वाजा को देख लें, लबुशेन को देख लें, ट्रेविस हेड को देख लें, तो ये तमाम पाकिस्तान ने इनको आउट किया, पाकिस्तान के बॉलर्स ने इनको आउट किया। सम टाइम ऐसा होता है कि बैट्समैन अच्छा शॉट खेलता है और आउट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान के बॉलर्स का पूरे का पूरा क्रेडिट है कि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, मौके बनाए आउट करने के और उसको आउट किया भी। जितनी विकटें पाकिस्तान ने हासिल की उन सबको आप देख लें, उसमें ये चीज़ आपको वाजह तौर पर नज़र आती है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है, गो के पहली इनिंग्स में भी पाकिस्तान ने 318 तक उनको महदूद किया। अगर जितनी डिसिप्लिन बॉलिंग पाकिस्तान ने आज की है दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, अगर इतनी ही डिसिप्लिन बॉलिंग पाकिस्तान ने पहले बिल्कुल इनिंग्स में पहली इनिंग्स में की होती तो इस टेस्ट मैच का नक्शा इस वक्त बिल्कुल मुख्तलिफ होता। बहरहाल आज का दिन उस एक ड्रॉप कैच की वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर गया है जो कि अब अब्दुल्ला शफीक के ऊपर है, क्योंकि उन्होंने चौथी इनिंग्स में बैटिंग करने के लिए आना है और नज़रें पाकिस्तान की बैटिंग के ऊपर होंगी और अब्दुल्ला में इतनी सलाहियत तो ज़रूर है कि वो अपनी इस खामी या गलती का अजाला कर सकते हैं, अपनी बैटिंग से बड़ा सौ करें, पाकिस्तान ये टेस्ट मैच जीते, अब्दुल्ला का उसमें अहम किरदार हो, तो वो जो दो ड्रॉप कैच है ना उनके इस टेस्ट मैच में उनको लोग भूल जाएंगे और चौथे इनिंग्स की अगर वो बड़ी इनिंग्स खेल जाते हैं तो ना सिर्फ उनके करियर को एक बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा पहुँचेगा, उनके बारे में जो गुफ्तगू होती है दुनिया में वो बहुत मस्बत होना शुरू हो जाएगी और उनकी बैटिंग की सलाहियत में है अभी तक लोग उनके मोतरफ हैं। अभी भी जितनी भी बैटिंग उन्होंने यहाँ पर की है ऑस्ट्रेलिया में, गो के मुश्किल हालात थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी कारकर्दगी की तारीफ हुई है। क्रिकेट कमेंटेटर्स जो कि इस टेस्ट मैच टेस्ट सीरीज़ में कमेंट्री कर रहे हैं, अगर आप उनकी भी गुफ्तगू सुनते हैं तो वो भी उनकी उनके टेम्परामेंट की, उनकी टेक्निक के अतबार से जब वो बात करते हैं तो उनकी बड़ी तारीफ करते हैं। तो अब जब वो बैटिंग के लिए आएंगे चौथे इनिंग्स में पाकिस्तान की तरफ से तो उनके पास एक मौका ज़रूर होगा। टेस्ट मैच की यही खूबी है ना कि आप गलती करते हैं, आपको उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है। तो दो ड्रॉप कैचेज हैं उनके, पहली इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी, दूसरी इनिंग्स में भी जब वो आएंगे पाकिस्तान की नज़रें उनके ऊपर होंगी। ये मैच पाकिस्तान इस मैच में है, पाकिस्तान पहले दिन से इस मैच में है, जब पाकिस्तान ने टॉस जीता
और पहले बॉलिंग का फैसला किया था। आप अपने जो खामियां हैं प्लेइंग 11 की या जो गलतियां पाकिस्तान ने उसमें की या जो पाकिस्तान ने उस दिन ज़्यादा डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं की, पाकिस्तान ने अपनी विकटें पहली इनिंग्स में गैर ज़रूरी तौर पर शॉट्स खेलते हुए जिन्होंने ज़ाया की, या जिस तरीके से फ़ायदा उठाना चाहिए था अब्दुल्ला शफीक और उनकी शान मसूद की पार्टनरशिप का पाकिस्तान उसको नहीं उठा सका, उसके बावजूद पाकिस्तान इस मैच में है और पाकिस्तान के पास ये टेस्ट मैच जीतने का एक बहुत अच्छा मौका है। शान मसूद यकीनन आज भी सोच रहे होंगे कि जो शॉट उन्होंने पहले इनिंग्स में खेली है, अगर वो थोड़ा कंडीशंस को रिस्पेक्ट करते, हालात के मुताबिक खेलते, तो पाकिस्तान आज बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल में होता। अगर पाकिस्तान उनके पास चला जाता, लीड थोड़ी कर लेता, अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान उनके रन्स के पहले इनिंग्स के करीबन पास चला जाता, 300 या उससे ज़्यादा रन्स कर लेता, तो इस वक्त जो 241 रन्स की बर्तरी है ऑस्ट्रेलिया को, ये कम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 200 रन्स होते, बिल्कुल, तो 200 पर 6 आउट होते तो पाकिस्तान के पास एक चांस होता कि आप 50 रन्स में बाकी 4 विकटें लें, और 260 रन्स का जो हदफ है चौथी इनिंग्स में आप उसकी तरफ जाएंगे तो निस्बतन आसान होता है। अब अगर इसमें 60 रन्स ऐड हो जाते हैं जो कि अल्लाह करे ना हो, पाकिस्तान 250 रन्स के अंदर इनको आउट कर दे, 9 रन्स में पाकिस्तान 4 विकटें हासिल कर ले, इससे ज़्यादा अच्छी सूरत हाल नहीं होगी, इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं होगी। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 300 या उससे कुछ ज़्यादा रन्स करता है तो फिर पाकिस्तान को 2 पार्टनरशिप्स की ज़रूरत होगी, पाकिस्तान को 2 पार्टनरशिप्स की ज़रूरत होगी, बड़ी पार्टनरशिप्स की। एक सेंचुरी अगर 300 ऑस्ट्रेलिया करता है, एक सेंचुरी और एक निस सेंचुरी अगर हो जाती है तो पाकिस्तान ये मैच जीत सकता है। आज जब पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे ना, तो एक स्पिनर की कमी महसूस हुई है, और मुझे लगता है कि जब पाकिस्तान तीसरा टेस्ट मैच खेलेगा तो एक रेगुलर स्पिनर इस टीम का हिस्सा हो सकता है। मेरा ख्याल है कि जब पाकिस्तान तीसरे टेस्ट मैच की तरफ जाएगा तो एक रेगुलर स्पिनर, टीम मैनेजमेंट को यह एहसास हो चुका होगा उस वक्त कि हमें उसकी ज़रूरत है और हमें उसकी तरफ जाना चाहिए। सैयद जी, हम तो उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल जैसा हाफिज़ साहब ने कहा कि हमें एक स्पिनर की ज़रूरत है, स्पिनर के साथ अगर हम जाते तो यकीनन हम ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं कि पाकिस्तान 1 इन द ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। नाज़रीन, दूसरी जाने बात की जाए तो आज मैं देख रही थी कि मोहम्मद आमिर भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे मीर हमज़ा की, खास तौर पर राशिद लतीफ़ ने तारीफ़ की मीर हमज़ा की, शाहिद आफरीदी की, लेकिन दूसरी जाने माइकल वॉन ने यह कहा कि दैट्स वाई आई लव वॉचिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसी तरह से फर्स्ट दे बिकम जीनियस एंड देन दे बिकम व्हील्स ऑफ इन 10 मिनट्स। हाफिज़ साहब, कमिंग टू यू अगेन, पाकिस्तान अचानक से जो ये एक थोड़ी सी बदल देता है, एक तो वो है, दूसरी जानब तारीफ़ जो है वो मीर हमज़ा की भी बहुत ज़्यादा हो रही है, उस हवाले से क्या? देखिए, मीर हमज़ा अगर पहला टेस्ट मैच भी इन्हें खिलाया जाता, टेक्टिकल है ना, जो आप सिलेक्शन में ख़राबियां करते हैं उसके भी आपको नुकसान होता है। देखिए, खिलाड़ी सरफराज अच्छा नहीं खेल पाए तो ड्रॉप कर दिया उन्होंने, और जब आप हिकमत अमली की बात करते हैं तो प्लेइंग 11 से आपकी सबसे पहली जो हिकमत अमली नज़र आती है वो आपकी प्लेइंग 11 से आती है। जिस किस्म का पिच था पर्थ का, और जितना पेस, बाउंस और सीम वहाँ पर होता रहा, मीर हमज़ा वहाँ पर अगर गेंदबाजी करते तो वो और ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकते थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों के लिए। आज भी आप उनको देखें कि जिस लाइन लेंथ पे और जितनी नपी तुली उन्होंने गेंदबाजी की, और जिस तरह उनको ऑफ द पिच भी मदद मिल रही थी, और जो उन्होंने विकटें हासिल की हैं, वो चूंकि एक अरसे से पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, उनको लंबी बॉलिंग करने की आदत है, वो उसके लिए तैयार हैं, वो टेस्ट मैच बॉलिंग करने की सलाहियत रखते हैं। फ़ायदा उनको ये हुआ कि कंडीशंस उनको फेवर कर रही थी, और उन्होंने उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा भी उठाया। देखें, जब आप खिलाड़ियों को उनकी कंडीशंस के एतबार से मौके देते हैं, बस आपके फास्ट बॉलर्स या स्पिनर्स ऐसे होते हैं जो हर तरह की कंडीशंस में बहुत ज़्यादा शानदार होते हैं, ठीक है, मतलब शाहीन आफरीदी हैं जैसे, अगर वो नसीम शाह हैं जैसे, वो दुनिया की किसी भी जगह बॉलिंग करेंगे ना तो वो कंडीशंस के मोहताज नहीं होंगे। लेकिन कुछ आपके बॉलर्स ऐसे होते हैं जो एक ख़ास किस्म की कंडीशंस में ज़्यादा मुअसर होते हैं, उनको खेलना ज़्यादा मुश्किल होता है। इनका शुमार मीर हमज़ा का उन्हीं गेंदबाजों में होता है। आप देखें कि जिस लाइन पर, जिस लेंथ पर, जिस नपी तुली गेंदबाजी का उन्होंने मुजाहरा किया और जो विकटें की हैं, वो उसके लिए तैयार थे, बरसों से वो ये क्रिकेट, लंबी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। खुशकिस्मत है कि उनको एक अच्छी जगह पर मौका मिला और उन्होंने पाकिस्तान के लिए विकटें भी ली हैं। उनकी लाइन लेंथ थी जो उन्होंने विकटें पाकिस्तान के लिए इब्तदा मिली, इसी यही वजह है कि पाकिस्तान मैच में है। शाहीन आफरीदी पेस उनका बेहतर नज़र आया आज, ठीक है, उनकी पेस बेहतर थी, उनकी लाइन भी जो उन्होंने बॉल की हैं, पहले टेस्ट मैच से लेकर अब तक शाहीन पर तनकीद तो हो रही है, लेकिन उनको अगर आप देखें ना, उन्होंने
पैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है। जो बॉल उनका अच्छे एरिया पे गिरता है ना वो अनप्लेबल होता है, वो उतना आसान नहीं होता। तो पाकिस्तान की जब आपने चार अपने स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं ना, तो आप कंट्रीब्यूशन देख लें। जब आपके स्पेशलिस्ट होते हैं और अगर वो अपनी अपनी जगह पर अपना अपना हिस्सा डालते हैं तो आपके मैच में रहने के इम्कान ज़्यादा होते हैं निस्बतन इसके कि आप आधे तीतर आधे बटेर के साथ खेल रहे हो। आप स्पेशलिस्ट के साथ खेलते हैं तो उसका आपको फ़ायदा होता है। मीर हमज़ा टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट बॉलर है और उसने अपनी अहमियत को, उसने अपने इंतखाब को आज तक की जबकि गेंदबाजी है उसने इस टेस्ट मैच में दुरुस्त साबित किया है। शाहीन का अच्छे गेंद करना भी पाकिस्तान के लिए खुश आइंदा है। हसन ने आप देखेंगे बड़ी अच्छी अच्छे चैनल बॉलिंग की, जिस तरह से एक बॉक्स बना दिखा रहे थे पैट कमिंस का, तो हसन ने भी आज एक ही एरिया के ऊपर बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो ये क्रेडिट है पाकिस्तान को। बहरहाल एक स्पिनर की कमी महसूस ज़रूर हुई है। स्पिनर जब आपकी टीम में होता है ना टेस्ट मैच आप खेल रहे हैं, देखें इसका तो एक फ़ायदा ये है कि जब आपके फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही है तो आप कुछ तब्दीली करते हैं स्पिनर के ज़रिए, ठीक है। बैट्समैन को भी कुछ थोड़ा सा अपनी हिकमत अमली के ऊपर गौर करना पड़ता है, नज़रसानी करना पड़ती है, बॉलिंग ज़रा तब्दील होती है, उसको खेलने का अंदाज़ बदलता है, आपकी फील्ड पोजीशन बदलती हैं, तो बैट्समैन कहीं ना कहीं उसको बॉलर के लिए मौका होता है कि उसको फंसा ले। दूसरा ये है कि आपके फास्ट बॉलर्स को कुछ आराम का मौका मिल जाता है। एक स्पिनर की मौजूदगी आपके फास्ट बॉलर्स को थोड़ा रेस्ट देती है, वो रिकवर होते हैं ड्यूरिंग प्ले ही वो रिकवर होते हैं और वापस आते हैं ज़्यादा बेहतर और जान के साथ गेंदबाजी करते हैं। आज आप देख रहे हैं कि ये पेस बेहतर क्यों हुई है, जब आपको विकटें मिलती हैं ना तो आपकी एनर्जी गिरती नहीं है, आप मुतहर्रिक रहते हैं, आप बिल्कुल जोश और जज्बा आपका बरकरार रहता है, तो आपका उसकी गेंदबाजी पर असर होता है। जब आपको विकेट नहीं मिल रहे होते हैं, आपको पिटाई लगती है ना, तो आप गिरते हैं फिजिकली मेंटली आप गिरते हैं। यही वजह है कि आप 135 पर करते करते 127 पर आ जाते हैं। आज विकटें मिली, अच्छी लाइन पर बॉलिंग हुई, पाकिस्तान मैच में वापस आया, तो फिर एक एक्स्ट्रा एफर्ट जो पुट करते हैं बॉलर्स उस वजह से आपकी पेस को फ़र्क पड़ता है। तो आज 134 35 36 की अगर पेस नज़र आ रही है तो उसकी वजह यह है कि इनिशियली इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने विकटें ली और ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पर धकेला, तो पाकिस्तान ने फिर चार्ज उनके ऊपर किया। तो क्रेडिट सबको है, स्पिनर की कमी बहरहाल महसूस रही है।